हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3, जो कि रिलेटेड है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। तो इस यूनिट का पार्ट ए ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यूनिट 10 एंड यूनिट 6 विद ऑल द पार्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो वीडियोज़ आपने ना देखी हो तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इजिली क्लियर हो जाएं और आप उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर पाएं। और अगर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर देती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का पार्ट बी। तो पार्ट बी में भी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में फैक्टर थ्योरीज। तो पहले हम फैक्टर थ्योरीज पढ़ेंगे, देन हम प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज पढ़ेंगे। तो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज क्या होती हैं, फैक्टर थ्योरीज क्या होती हैं, ये भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर जो वो वीडियोज आपने ना देखी हो तो उन वीडियोज को जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन फैक्टर थ्योरी की। तो जो वन फैक्टर थ्योरी है वो अल्फर्ड बिने ने दी है, ठीक है। अल्फर्ड बिने फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ अल्फर्ड बिने को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। एज का कॉन्सेप्ट है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी अल्फर्ड बिने ने दिया हुआ है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया है, अल्फर्ड ने दिया है। तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट आपके अल्फर्ड बिने हैं, देन मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, अल्फर्ड बिने ने दिया है। तो ये आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में से कि टेट का एग्जाम हो गया या सीटेट का एग्जाम हो गया, पीजीटी का एग्जाम हो गया, तो ये जो एग्जाम्स होते हैं इन एग्जाम्स में आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका नेट का एग्जाम है ये एप्लीकेशन मोड पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसी लेक्चर से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, पीजीटी, टेट, सीटेट, है ना, जीडीसी का एग्जाम हो गया, तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो गया। तो सारे के सारे ये सारे कॉन्सेप्ट हर एग्जाम में आते हैं, तो ये हर एक कॉम्पिटिशन के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो आप जो जो मैं बताते जाती हूँ वो कहीं ना कहीं आप अपने नोट्स में भी नोट मेंशन कर सकते हैं। तो अल्फर्ड बिने को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बोला जाता है, इन्होंने मेंटल एज का भी कॉन्सेप्ट दिया। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको मैंने छोटी अल्फर्ड बिने की बात आई तो मैंने आपको ये दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। अब हम बात करेंगे कि यूनि फैक्टर थ्योरी में अल्फर्ड बिने ने क्या बताया है। तो यूनि फैक्टर थ्योरी के और भी नाम है, आप इसको मोनार्किक थ्योरी भी कह सकते हैं, है ना, मोनार्किक थ्योरी के नाम से भी यूनि फैक्टर थ्योरी बोली जाती है। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी किसने दी, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी अल्फर्ड बिने ने ही दिए। यानी वन फैक्टर थ्योरी के ही अलग अलग नाम है। तो एक तो नाम हो गया वन फैक्टर थ्योरी, दूसरा नाम हो गया मोनार्किक थ्योरी, तीसरा नाम हो गया ट्रेडिशनल थ्योरी, एंड चौथा नाम हो गया आपका यूनि फैक्टर थ्योरी, यूनि फैक्टर थ्योरी। तो ये अलग अलग नाम भी आपको याद रखने हैं। वन फैक्टर थ्योरी किसने दी, अल्फर्ड बिने ने दी है। वन फैक्टर थ्योरी के अलग अलग नाम कौन से हैं, मोनार्किक थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या यूनि फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब वन फैक्टर थ्योरी का क्या मतलब है, यानी कि इंटेलिजेंस जो बुद्धि है आपकी वो एक तत्व से बनी हुई है, एक कारक तत्व भी नहीं कहेंगे हम, एक कारक से बनी हुई है। तो अब इन्होंने ये बताया अल्फर्ड बिने ने कि जो इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस है उसमें एक कारक पाया जाता है। सपोज कि जी फैक्टर, उन्होंने बताया कि जी फैक्टर पाया जाता है, तो ये जो जी फैक्टर है ये सारे फैक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, यानी सारे फैक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सपोज कि मैथ्स ले लीजिए या हिस्ट्री ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, यानी कि अल्फर्ड बिने ने ये बताया कि अगर एक इंडिविजुअल के अंदर एक कारक पाया जाता है, उसी कारक से वो इंडिविजुअल या तो फिर इंटेलिजेंट होगा, या तो फिर वो बहुत बुद्धिमान होगा, या तो फिर वो बुद्धिमान नहीं होगा। उन्होंने ये बताया कि एक कारक से ही जो इंडिविजुअल है वो सारे काम करता है, वो इंटेलिजेंट माना जाता है। तो ये किसने बताया है आपके,
अल्फर्ड बिने ने बताया है वन फैक्टर थ्योरी में, उन्होंने ये बताया कि एक ही फैक्टर से जो इंडिविजुअल है वो इंटेलिजेंट माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस लाइन में, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि वन फैक्टर थ्योरी एम्फसाइज दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन फैक्टर, यानी इन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो कंसिस्ट किस में, एक फैक्टर में आती है, विच इज यूनिवर्सल फॉर ऑल एक्टिविटीज। यानी कि वो जो एक फैक्टर है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू बताया कि जो वो एक फैक्टर है वो सारी एक्टिविटीज के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि इज यूनिवर्सल फॉर ऑल एक्टिविटीज फॉर द इंडिविजुअल। यानी कोई भी एक्टिविटी हो उस एक्टिविटी को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर ही यूनिवर्सल है, उसी फैक्टर से इंडिविजुअल इंटेलिजेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये बात की गई वन फैक्टर थ्योरी के अंदर। अब जो अल्फर्ड बिने की जो थ्योरी है उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ये बोला गया कि जो इंडिविजुअल है कोई जरूरी नहीं है कि अगर जो वो हिस्ट्री में अच्छा है तो वो अदर्स, मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ तो मैं स्टूडेंट के एस्पेक्ट में बात करूंगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो स्टूडेंट है वो हिस्ट्री में अच्छा है तो वो साइंस में भी अच्छा होगा, वो मैथ्स में भी अच्छा होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा हो, है ना। वो ये हो सकता है कि वो जो बच्चा मैथ में बहुत अच्छा है वो साइंस, वो आर्ट उसकी अच्छी ना हो या म्यूजिक उसकी अच्छी ना हो, है ना, तो ये पॉसिबल है, इसीलिए इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। फिर बात आई स्पीयरमैन, फिर स्पीयरमैन आए, स्पीयरमैन ने ये बताया कि जो इंटेलिजेंस है वो वन फैक्टर नहीं है, इंटेलिजेंस में दो फैक्टर पाए जाते हैं। तो टू फैक्टर थ्योरी किसकी है, चार्ल्स स्पीयरमैन की। ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी है। ठीक, अब टू फैक्टर थ्योरी में इन्होंने बेसिकली दो फैक्टर्स बताए हैं, पहला फैक्टर है जी फैक्टर, दूसरा फैक्टर है एस फैक्टर। ठीक, क्वेश्चन आता है कि जी फैक्टर और एस फैक्टर किन की थ्योरी में पाए जाते हैं, तो किसकी थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी, जो किसने दी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने ये बताया कि जो इंटेलिजेंस है वो दो फैक्टर से मिलके बना हुआ है, पहला फैक्टर है जी फैक्टर, दूसरा फैक्टर है एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब क्या है, जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर, और एस फैक्टर क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। तो अब इन्होंने ये बताया कि तो जी जो जनरल फैक्टर है वो हर एक इंडिविजुअल में एक स्पेसिफिक अमाउंट में पाया जाता है, यानी कि जो जी फैक्टर है वो हर एक इंडिविजुअल में पाया जाएगा, किसी के अंदर वो जो जी फैक्टर है वो ज्यादा होगा, किसी के अंदर जी फैक्टर कम होगा, लेकिन हर एक एक्टिविटी को करने के लिए, हर एक फंक्शन को करने के लिए जी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किसने बताया है, ये जनरल फैक्टर की बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए जनरल फैक्टर को मेंटल एनर्जी भी बोला गया, क्या बोला गया, जी फैक्टर को मेंटल एनर्जी भी बोला गया, मेंटल एनर्जी। जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता रही हूँ, और ये आप नोट करते जाइएगा। तो जी फैक्टर को इसीलिए मेंटल एनर्जी बोला गया, क्यों, क्योंकि जो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल में जी फैक्टर पाया जाता है, वो जो जनरल एबिलिटी है, जी फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या, जनरल जो एबिलिटी है एक काम करने की, वो हर एक इंडिविजुअल में पाया जाता है एक स्पेसिफिक अमाउंट में। अब वो जो अमाउंट है वो किसी में ज्यादा हो सकता है और किसी में कम हो सकता है, लेकिन हर एक एक्टिविटी को करने के लिए जी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए जी फैक्टर को मेंटल एनर्जी बोला गया। और जो आपका जी फैक्टर है ये इनेट फैक्टर होता है, अब इसको इनेट फैक्टर क्यों बोला गया, इनेट फैक्टर इसीलिए बोला गया क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल में पाया जाता है। ठीक है, अब ये इनेट फैक्टर इसीलिए क्योंकि ये हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है। अब देखिए एक पॉइंट से आपको कितने सारे इंटरकनेक्शन है। ठीक है, तो अब क्या है, मेंटल एनर्जी, इसी को इनेट फैक्टर, ये इसी को इनेट फैक्टर भी बोला गया। ठीक, तो आपको जी फैक्टर से लेकर इतनी सारी बातें याद रखनी है जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं और जो मैंने बोली हैं। अब हम बात करते हैं एस फैक्टर की, तो एस फैक्टर आपका क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर है। अब इन्होंने ये बोला कि अब जो जी फैक्टर है वो सब में हर एक इंडिविजुअल में पाया जाता है, किसी में कम पाया जाता है, किसी में ज्यादा पाया जाता है,
कोई जनरल फैक्टर का यूज बहुत अच्छे से करता है, कोई जनरल फैक्टर का यूज अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है, अब जनरल फैक्टर में एक बात और याद रख लीजिए, जनरल फैक्टर पे आपका ट्रेनिंग का, पास्ट एक्सपीरियंसेस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी ये भी क्वेश्चन आता है कि ट्रेनिंग का इफेक्ट और पास्ट एक्सपीरियंसेस का इफेक्ट किस पे पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है कि जी फैक्टर पे ट्रेनिंग का इफेक्ट और पास्ट एक्सपीरियंसेस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं एस फैक्टर की, जो कि है आपका स्पेसिफिक फैक्टर। अब ये बोला गया कि इस जनरल फैक्टर के साथ साथ इंडिविजुअल में स्पेसिफिक फैक्टर भी पाया जाता है, जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए ही अवेलेबल होता है। जैसे कि अगर जो किसी के अंदर जनरल फैक्टर है ना, कि हर एक एक्टिविटी को करने के लिए जनरल फैक्टर जरूरी होता है ना, तो स्पेसिफिक फैक्टर में ये बोला गया कि अगर जो कोई इंडिविजुअल हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, उसका हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो उसका जनरल फैक्टर हो गया। लेकिन उसी के साथ साथ कोई इंडिविजुअल बहुत अच्छा गाना गा लेता है ना, बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता है, ये भी हो सकता है जो बच्चा या जो इंडिविजुअल पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेता हो, उसका हिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा ना हो या वो गा ना पाता हो। तो हर एक इंडिविजुअल में एक स्पेसिफिक फैक्टर भी पाया जाता है। ठीक है, तो अब वो जो स्पेसिफिक फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर का जो आपके ट्रेनिंग है या जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनका इफेक्ट स्पेसिफिक फैक्टर पे पड़ता है। इज इट क्लियर? तो यानी स्पेसिफिक फैक्टर को हम ट्रेन कर सकते हैं, उसको और स्पेशलाइजेशन में ले जा सकते हैं। जैसे आपका इंजीनियर्स होंगे, तो अब जो जनरल एबिलिटी है एक इंजीनियर की, ठीक है, तो वो तो उस इंडिविजुअल के पास है ही, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए जो एक स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं, उन स्पेसिफिक स्किल्स को हम ट्रेन कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि जो आपके स्पेसिफिक फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर को ट्रेनिंग देके उसको और बेहतर किया जा सकता है। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, स्पेसिफिक फैक्टर, यानी स्पेसिफिक फैक्टर पे आपका ट्रेनिंग का इफेक्ट और पास्ट एक्सपीरियंसेस का इफेक्ट पड़ता है, और जनरल फैक्टर पे ट्रेनिंग का और पास्ट एक्सपीरियंसेस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इन्होंने ये बताया कि जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ जी फैक्टर या एस फैक्टर अलग अलग नहीं है। जी फैक्टर और एस फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, जो होल है, इन दोनों को मिला के ही इंडिविजुअल इंटेलिजेंट कहलाता है ना। अब देखिए क्या लिखा है, द टोटल इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज द सम ऑफ टोटल ऑफ द जी एंड एस फैक्टर। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल इंटेलिजेंट तभी कहलाएगा जब इन दोनों का टोटल, यानी कि जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों में एक साथ पाए जाएंगे, है ना, इनकी टोटैलिटी जो होगी जिस इंडिविजुअल के अंदर पाई जाएगी, वो इंडिविजुअल इंटेलिजेंट कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको वन फैक्टर थ्योरी एंड टू फैक्टर थ्योरी आसानी से समझ में आई होगी। वन फैक्टर थ्योरी अल्फर्ड बिने ने दी है। इन्होंने ये बताया कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर इंटेलिजेंट का सिर्फ एक ही फैक्टर पाया जाता है, वही फैक्टर यूनिवर्सल क्या होता है, हर एक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल होता है। इज इट क्लियर? टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है। इन्होंने दो फैक्टर बताए, जी फैक्टर और एस फैक्टर। ठीक है, जी फैक्टर को इन्होंने मेंटल एनर्जी का नाम दिया है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में जी फैक्टर पाया जाता है, किसी में कम या किसी में ज्यादा। ठीक है, जी फैक्टर को इनेट फैक्टर भी बोला गया क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल में पहले से ही विद्यमान होता है। एस फैक्टर क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर है जो कि इंडिविजुअल्स में होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल में एक ही तरीके के एस फैक्टर पाए जा रहे हो, बहुत सारे एस फैक्टर्स हो सकते हैं, जनरल फैक्टर एक ही होगा, है ना। ये याद रखिएगा कि जो जनरल फैक्टर है वो एक ही होगा, स्पेसिफिक फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जनरल फैक्टर क्या होगा, एक ही होगा, है ना। अब स्पेसिफिक फैक्टर पे ट्रेनिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस का इफेक्ट पड़ता है और जी फैक्टर पे नहीं पड़ता है। तो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है, इन दोनों का सम ऑफ टोटल ही
इंटेलिजेंस कहलाएगा, यानी जी फैक्टर और प्लस एस फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटेलिजेंस, आप याद रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन। तो यूनिफैक्टर थ्योरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट आपकी टू फैक्टर थ्योरी है, और जितने भी क्वेश्चंस वन फैक्टर थ्योरी या टू फैक्टर थ्योरी से आते हैं या अब तक आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में आपको थ्योरी के थ्रू या पॉइंट्स के थ्रू आपको मैंने बता दिए हैं। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।